तो एक साथ ही खाए. हालांकि यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि ये ना कोई अलग ही मतलब कोई अलग की दुनिया टाइप चल रही है ना. ऐसा लग रहा है ना वेनिस आ गए हो सीधा. अब उधर से सीधा वेनिस आ गए हैं. हाय शी इज सो क्यूट. यहाँ पे भाई देख लो किसी की बच्ची पकड़ ली इसने. बहुत क्यूट है. आ चल चाहिए किसी की बच्ची पकड़ लेती है. बच्चा शोर है भाई. आ चल मुझे बच्चे बहुत पसंद है. हालांकि मेरे भी खुद के बच्चे नहीं है बट आई लव किड्स. यार ये तो सीरियसली ऐसा लग रहा है कि हम ना कहीं वेनिस टाइप जगह पे आ गए हैं. जब मेरे बच्चे होंगे मैं उनको सबसे पहले फरारी वर्ली लेके आऊंगी. सीरियसली ऐसा लग रहा है कि वेनिस में आ गए हैं है ना. देखो ना चारों तरफ घुमा के. बहुत सुंदर है यार. भाई बहुत अमेजिंग है. कितनी मेहनत से बनाया है लोगों ने. कैसे ही बनाया है. इसका टिकट कितने का था. चल इसका टिकट है हमारा तो दोनों का मिला के I think so 9000 per person है. 9000 per person है. 9000 per person. मतलब 18-20000 रुपए के टिकट मान ही लो तो उसका. दोनों का मिला के. ये देखो यहाँ फरारी खड़ी कर रखी है लाइट जला जला के. चलो चेक कर लेते हैं ये भी क्या है. सामने दिखाता हूँ आप लोगों को. तो यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं और ये है क्या सीन अभी चेक कर लेते हैं. क्या ये मुझे लग रहा है हमारा ब्लॉग ही मतलब 2-3 घंटे का ना हो जाए. कोई नहीं इसको पार्ट में डालेंगे ना. वाओ जब तक हम धुएं खत्म करेंगे तब तक हम फरारी वाली. We have lots of things to explore and oh yeah yeah yeah. और मतलब ये तो हम बिल्कुल ऐसे गए थे सोच के जस्ट नॉर्मल गाड़ी चल रही होगी ऐसे ना. बट ये बहुत फास्ट था इसलिए मैंने हैवी टाई नहीं किए थे वरना उस पर तो मैंने पूरा बन बना लिया था टाइट वाला. बट ये भी बहुत डेंजरस था यार. गला बैठ गया तो मैं देख के चल रहा हूँ मेरी हालत ना. अब इसको कुछ खिला देते हैं इससे पहले यहाँ पे रोना स्टार्ट कर दे. सच में भूख लग रही है बहुत जोर. सो गाइज मैंने अभी ऑर्डर किया है यहाँ पे फूड और यहाँ पे फूड के लिए बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं. वेज में तो बहुत कम है मतलब लाइक उन्होंने मुझे 2-3 ऑप्शंस ही बताए एंड दैट इज़ टू. उन 2-3 ऑप्शंस में से मैंने लिया है फ्राइज क्योंकि वो अन्नू भी खा लेता है और मैं भी खा लेती हूँ. जस्ट फॉर द लाइक स्नैक्स मैंने फ्राइज ले लिया. वैसे मैंने जो मील कराया मैंने एक मतलब वन पर्सन मैंने कराया दाल मखनी जीरा राइस और उसी के साथ कुछ एडिशनल दे दिया नान और समथिंग लाइक दैट. सो ओनली यही ऑप्शन था और उसका भी कॉस्टिंग यहाँ पर जो मुझे पड़ा है वो मुझे पड़ा है 1700 कुछ रुपए मतलब कितने ईडीएस में लिखा हुआ है ना. ईडी में तो मतलब 80 है. ईडी में मतलब धर्म में वैसे 1778 मतलब लमसम 1800 रुपए का हमें ये मील पड़ा है सिर्फ फॉर वन पर्सन. तो फरारी वर्ल्ड में अगर मतलब किसी को भी खाना खाना है इंडियन खाना खाना है तो आप लोगों को पता है कहाँ पे आना पड़ेगा. मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ. और मतलब 1700 रुपये में आपको खाना खाना पड़ेगा. 1700 यहाँ पे सबसे सस्ता है ना. सबसे सस्ता नहीं मतलब स्टार्टिंग करें अगर इंडियन खाने की. एक्चुअली क्या है ना इसके सिवा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है. समोसे का ऑप्शन था बट हम लोग खाना नहीं था समोसा क्योंकि समोसा हमने अभी भी खाया. मतलब हम लोग को चाहिए था कुछ हम वैसा खाना चाहते थे कुछ क्योंकि होटल में भी ऐसा ही है कि हमारा सर ब्रेकफास्ट इंक्लूड है. डिनर में पता नहीं यहाँ पे क्या क्या सीन चलेगा क्या रहेगा. तो इस वजह से हम लोगों ने अभी थोड़ा प्रॉपर वाला खाना करा लिया है तो अभी वही खा लेते हैं फिलहाल. सी आगे क्या ऑप्शन मिलते हैं बाहर. मैं आप लोगों को ना एक बार वापस से घुमा के यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन है और किस जगह है. देखो तो इसका यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये है मेन जगह जहाँ पे आप लोग आके इंडियन फूड इंजॉय कर सकते हो. ठीक है खाना मेरे यहाँ पे आ चुका है और ये मिला है हमें. वैसे कि बहुत ज़्यादा मिल गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कोल्ड ड्रिंक भी ले गई रायता भी ले गई फ्राइज भी ले गई दाल भी ले गई. बहुत ज़्यादा मिल गया. अब क्या खाएगी अभी ने खा जा. तो ठीक है वैसे जब हम वहाँ पे भी खाते हैं ना तो अगर देखा जाए वैसे प्राइस वाला कैलकुलेट करें लमसम ऐसी होता तो 1500 से बिल हमारा वहाँ भी कम नहीं होता. बट द रीज़न इज कि यहाँ पे हमें इतने प्राइस में दाल मखनी और वो मिल रहा है और पिज़्ज़ा का अगर यहाँ पे आप ऑर्डर करने बैठ जाओ तो पिज़्ज़ा आपका 3000 रुपये में मतलब कम से कम आपको पड़ेगा चीज़ बर्स जो आप इंडिया में खाते. अरे मेरी मैया मतलब. तो देखो जो बात है महंगा तो है यूएई महंगा तो है अभी अबू धाबी महंगा है और दुबई भी बहुत महंगा है लेकिन हाँ तुम्हें फील आ जाएगी सीरियसली बता. बहुत अच्छा है बट अमेजिंग. खा लेते हैं पहले भूख लगी उसके बाद बहुत सारी राइड्स करनी तब बात करते हैं. गाइस खा लिया है पेट भर के और अगर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं ना मतलब कि जिसमें हमें थोड़ा सा ऐसे घूमना पड़ेगा उल्टी टाइप ना हो जाए थोड़ी वोमिट टाइप फील हो जाएगा. मतलब वोमिट फील नहीं वोमिट हो जाएगा. इतनी थी हम दोनों ने खा लिया और बच भी गया.
मतलब यहाँ पे लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्पफुल। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये वाला मील ले लो, आप दो लोगों के लिए इनफ होगा। बिहेव से आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि यहाँ पे लोग कितने कूल हैं, बहुत कूल। मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, अगर आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हो तो वो डबल अच्छे से आप लोगों के साथ बिहेव करेंगे। अब मुझे लगता है जो हमने सोचा था वो दुनिया एक अलग ही थी, जो यहाँ पर है ये बहुत ही अलग, ये बेस्ट है। मतलब इतने पोलाइट, अभी जो भी हम राइड लेंगे वो थोड़ी स्मूथ लेंगे अनु, यू के ये बात तो माननी पड़ेगी, इतने पोलाइट तो। और अभी एक काम करते हैं, अभी स्मूथ राइड लेते हैं, उल्टी सीधी नहीं लेते, मतलब ताकि खाना बाहर ना आए। स्मूथ राइड के लिए हमें वो वाली गाड़ी चलाते हैं, चलो फिर आ रही है वो वाली। चलो भाई वहीं पर जाके आप लोगों के एक्सपीरियंस कराता हूँ मस्त चीज़ का। सो ये बच्चों की राइड है और इसके लिए पागल हो गई है हमारी आंचल त्यागी, और इसके चक्कर में हमें तो यहाँ पे आना पड़ा है। अरे देखो कैसी राइड है बच्चों की, लेकिन यहाँ पे जो अच्छे अच्छे सीन्स हैं, लाइक ये जा रहे हैं लोग फरारी में बैठ के, ठीक है ये देखो बच्चों। और ये वाला जो रोलर कोस्टर है सामने वाले, अंडर मेंटेनेंस है इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा, वरना मेरा बहुत मन था इसका। ये खुद से देखो आ रहा है और इसमें कोई भी नहीं बैठा, देख रहे हो, ये चेकिंग के लिए बस चल रहा है। ये देखो ये गया। सो हम बैठ चुके हैं फरारी में, आप लोग देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा तो दिखा देता हूँ। बहुत प्यारा व्यू है, ये इसका स्टीयरिंग है, ठीक है, और ये चल रही है। सो बहुत प्यारा व्यू है, देख लो ये गाड़ी चल रही है अपनी। अब हम थोड़ी सी पिक्चर्स और रील्स ले लेते हैं ताकि फटाफट से आगे तुम लोगों में रील्स में उसे देख लेना। साइड में देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, अरे वाह। आंचल ये देखो कितना सही है, अरे वाह। सो आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम मोटो जीपी देखते हैं, फिर कार रेस कुछ भी देखते हैं, ठीक है, तो जो गाड़ियों के टायर चेंज होते हैं वो एक मिनट में हो जाते हैं, तो यहाँ पे वो सिखा रहे हैं, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ किस तरह चेंज होते हैं। लेट्स सी, इन्होंने सिखाया, ये सीख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, हो गया। ये टाइमिंग है, आप कितनी जल्दी इसको चेंज कर सकते हो। और ये यहाँ पे फेल हो गया है, I'm changing around. Yeah, because your wife over here is not wearing clothes. Okay. Shoes is mandatory. Yes. Okay. And this guy? Both of them will do it. If one of them, I. Okay, no problem. All good. Who will change the tire? Both. Okay, come in. Okay. So actually, I'm not wearing the shoes, so. They're not allowing me to enter, to change the tires because shoes पहनना इसके लिए mandatory है, अगर आप tire change करना चाहते हो। So I am not wearing shoes. So अनु वेयर टायर चेंज करने के लिए मुझे पहननी पड़ेगी accessories. Sorry. Okay, let me try. Thank you. By the way, thank you. Here he is. So we'll see. तो भाई हेलो, मास्क यहाँ पे भी देख लो, स्पेक्स और ग्लव्स एवरीथिंग ही नीड टू वेयर। भाई ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो जैसे, हाँ ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या किसी सही में किसी रेस में आ गया, मुझे टायर चेंज करने हैं, और पता नहीं एक बार इसका वेट चेक करूँ, हल्का है बच्चा है, लेकिन इसको करेंगे कैसे वो देखना है। चलो लेट्स सी, ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से मैं बना देती हूँ। Play the film later because he will change it first, right? Okay. I'm just gonna explain one. Okay. So nobody is with Anu because I'm not wearing the shoes and I will make a vlog. Because I have to make a vlog. Anu का तो अभी उसके साथ कोई है नहीं available करने के लिए. I'm gonna explain it once, but he will play first. Okay. For next. So for now, we're the doubles. ओके, सो वो अभी सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरीके से ये करना है चैलेंज, एंड द गर्ल इज सेइंग दैट मैं आई कैन टेक हर शूज़ एंड आई कैन डू दिस एक्टिविटी, विल सी। देखते हैं पहले अनु करने देते हैं, बिकॉज हम लोग इसलिए साथ में नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जितनी भी एक्टिविटी साथ में कर रहे हैं फिर हम लोग ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, तो दोनों लोग साथ में चले जाते हैं, तो वी वॉन्ट कि हम लोग ब्लॉग बना पाएँ, तो पहले अनु को करने देते हैं, उसके बाद अगर मुझे हुआ रिक्वायरमेंट तो किसी के शूज़ लेके अनु के शूज़ ले लूँगी और मैं भी कर लूँगी चेंज, वैसे मैं कर नहीं पाऊँगी आई एम डैम श्योर, बट आई फ्रॉम इंडिया। वेयर यू फ्रॉम गाइस? Brazil. All right. We have two buttons. Okay. Black, silver. Yeah. The black one is the trigger. Okay. This one is to unlock or open. To open. Yeah, the knot.
Okay. And this one is to close. Okay, got it. So unlock and then lock and then trigger. Got it. Put it in, silver button, trigger. Got it? Alright, don't pull the wrench while still spinning. Wait for it to stop. Once it stops, pull it out. Okay. Remove and change. Put it back, silver button to close. Here. Oh, try it. Oh my god, now he started. So, we are start the challenge. We'll see. What are you doing? Come on! Yes, you can do it. Oh my god, he did it almost. Yes, come on, Anu. Okay. Just put it back. Yes. I'll also try this one. This one. But you haven't started the timer. So prepare your timer, bro. Can I change it once again? Yeah, you will change it now. Okay. Ready? Yeah. Let's go. Okay, now challenge is started. Oh my god. It's shit. Come on. Okay, that was just for the trial. Now, this is the challenge. So, we'll see. Yes. It's okay. Your time is 19.7 seconds. Okay. Is it done or not? Done. GPS challenge. Thanks. You are on my vlog right now. Bye-bye. Nice to meet you too. Bye-bye. Everybody's... Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. इतना ज़्यादा डर रही है पता नहीं क्या एक्चुअली इन लोगों ने मेरे साथ किया था और यार ये इतना ज़्यादा डर रही है दीज किड्स हाँ ये मेरे साथ थे और तुम मतलब बच्चे चले गए लेकिन तुम नहीं जा रही क्या बात कर ली वाली राइड और ये राइड इतनी कूल थी बहुत कूल राइड थी तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ पता है इसने क्या बोला आते ही मुझसे मैंने बोला कि ये वाला जो रोलर कोस्टर है उससे भी फास्ट उससे फास्ट है लेकिन मैं मजा आ गया चलो तो दोबारा थोड़ी शकल के उड़ा रंग देख के घंटा में सबसे ज्यादा मैं ही चिल्ला रहा था उस राइड में मजे लेता हूँ ऐसा कर करके
पता है मैं एक्चुअली मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, रीजन बता दिया मैंने ऊपर आप लोगों को ऑलरेडी, आई थोड़ा आवाज आई या नहीं आई मैं फिर बता दूँ, माइक नहीं था, थोड़ा सा मैंने ज्यादा खा लिया तो मेरे को मतलब ज्यादा भी नहीं खाया, बट पता नहीं कि मुझे वोमिट वाला मन हो रहा है और ये राइड मुझे थोड़ी डेंजरस लग रही है, मैंने सब कर ली बट पता नहीं क्यों मुझे लग रही है, और इसका नाम है टर्बो ट्रैक और मैं इस पर नहीं जा रही हूँ, टर्बो ट्रैक भाई यही करता है, मैं नहीं करती हूँ ट्रैक, तो ट्रैक इसको करने देते हैं, एक बार दोबारा चलते हैं मजा आ जाएगा, और ये दोबारा जाना चाहता है, चलो मैं डिसाइड कर लेती हूँ थोड़ी देर में, मेरा मन हुआ तो पास में ही है, दोबारा चल जाएंगे, अभी घर के पीछे ही है, मतलब कि अभी 8 o'clock तक हम यहीं पे हैं, तो देखती हूँ मन बनाती हूँ, अगर दोबारा मन हुआ तो फिर कर लेंगे, चलो। तो भाई हम वापस आ चुके हैं फरारी वर्ल्ड से, काफ़ी टायर्ड हो गए थे, वैसे हमारा 8 बजे तक का था लेकिन हम जल्दी आ गए और हमने इतनी सारी राइड इन्जॉय करी, और आज लोगों के पीछे अपना मुंह बना रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है, अगर मैं बाहर का आपको व्यू दूँ ना तो इतना कूल व्यू आ रहा है ना इस रूम से, ये देखो यार ठीक है, ये शायद आप लोगों को वैसे दिखेगा नहीं इस वाले कैमरा से, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे सनसेट हो रहा है तो जो सूरज है ना उसकी पूरी रोशनी सामने आ रही है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर है, वो पानी सामने दिख रहा पूरा बहुत साफ है, ये कैमरे से शायद आप लोगों को दिखेगा नहीं क्योंकि ये व्लॉगिंग कैमरा है, शायद इसलिए आप लोगों को ये दिखेगा नहीं, और मैंने स्टेबलाइजेशन भी इसकी ऑफ कर दिया, तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि देखो बहुत से, जैसे अभी मैं नया अपडेट दे देता हूँ 2022 का, अब लोगों ने क्या बोला था जब हम भी डर रहे थे कि अभी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, अगर आप आबू धाबी आते हो तो कुछ नहीं करना आपको, खाली एक पासपोर्ट जो है आपका वो मेन है, आपका खाली पासपोर्ट चेक होना है और आपका रेटिना स्कैन होना है एयरपोर्ट पे, आबू धाबी एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इसके अलावा कुछ भी कोई भी कागज पत्र की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा और पासपोर्ट, जो कि यार ऑब्वियसली इन दोनों के बिना आ नहीं सकते किसी भी कंट्री, ठीक है, वीज़ा और पासपोर्ट तो मस्ट है, है ना, सुनने में आ रहा था ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करो फलाना करो ये करो, हम भी डर रहे थे यार इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, हमने इतनी बड़ी फाइल बना ली, पता नहीं क्या क्या ग्रीन सेंस ऐसा कुछ भी नहीं है फरारी वर्ल्ड में भी, और हाँ जो यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में भी डॉक्यूमेंट्स है ना तो वो भी चल जाता है, मतलब पासपोर्ट तो होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, लेकिन अगर होटल का बिल या फिर किसी चीज़ का टिकट, आप किसी एक्टिविटी कर रहे हो तो अगर आपके फ़ोन में उसका फोटो है, कॉपी नहीं है फोटो है, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल इस व्लॉग को एंड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है व्लॉग, कमेंट करके बताना, आज ना हमारा पहला दिन था और पहले दिन हमने इतना मतलब एंजॉय किया है, और अभी तो यार हमारे 8 दिन हैं यहाँ पे, क्या क्या करने वाले हैं हम, आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हो, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को पैकेज से जाना चाहिए, पैकेज बहुत कन्वीनियंट रहेगा, बहुत कंफर्टेबल रहेगा, बहुत अदरवाइज क्योंकि जब हम लोग फरारी वर्ल्ड भी गए थे, जो लोगों ने टिकट ऑलरेडी जिनका बुक नहीं था उसके लिए क्यू था, उन लोगों को मतलब देखना पड़ रहा था, चेक करना पड़ रहा था, बट हमारा क्या था सब चीज टिकट हमारे पास ऑलरेडी थे, बिल्कुल गए, तो बहुत सिंपल एंड ईजी आपके लिए हो जाता है अगर आप पैकेज से जाते हो। आजकल का थोड़ा वॉइस का हमारा क्योंकि वो अलग बैठी है, लेकिन गाइज मैं वैसे भी नॉर्मली बताना चाहूँगी, पैकेज चाहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप लोग मेरे वाले पैकेज से आना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप आ सकते हो, क्योंकि भाई मेरे लिए तो बेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक था। आप लोगों ने सुना होगा जब हमारे कल वाले व्लॉग में, अपने मतलब कल वाले नहीं जो भी हमने फर्स्ट व्लॉग डाला था उसमें आपने सुना होगा, जब हम लैंड हुए थे आचल ने क्या बोला था, यार आबू धाबी का एक्सपीरियंस ना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि हम तब लैंड किए थे, कहते ना कोई चीज़ अपनाती है हमें तो टाइम लगता है, एक दिन में आबू धाबी ने हमें ऐसा अपना लिया कि भाई अब घंटों में कुछ, ठीक है, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई बेस्ट है बेस्ट, मतलब मज़े आ रहे हैं यहाँ पे। तो आज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, कल हम लोग यहाँ से दुबई जाने वाले हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप लोगों के लिए इतने सही सही व्लॉग आने वाले हैं ना, इतने मज़े आने वाले हैं ना आप लोगों को उस वाले ट्रिप में, देख सारी अपडेट हम लोग आपको दे देंगे। एक और चीज़ लेट मी से वन मोर थिंग, यार जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, लेट मी सेट मैं बैठी जाती हूँ, जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, वीडियो को लाइक शेयर करना, और एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि आप लोगों को क्या करना है, जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ये व्लॉग नहीं कर रहे हैं, आवाज़ तो जाएगी होगी, सो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये व्लॉग इसलिए नहीं बना रहे कि आप लोग देखो और इन्जॉय करो, ये इसलिए भी है कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा, अगर आप लोग कहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं ना तो हम भी बहुत लोगों की वीडियोस वगैरह देख के, मतलब कितना, अगर हम यूट्यूबर नहीं भी होते ना तो भी हम वीडियो ज़रूर यूट्यूब पे देखते हैं, अन्नू तो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करता है, तो मस्त से कि आप लोग देखा करो और हमारी वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, फैमिली के साथ, ताकि वो भी आ सकें। और मैं एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ उस व्लॉग में, अनुराग के साथ हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है, मतलब इतना जेन्युइन है वो बंदा, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना जो भी हम लिंक डिटेल्स दे रहे हैं, बट अगर आप लोग प्लान कर रहे हो और आप कहीं से भी हो, वो तो पैकेज तो आप कहीं भी करा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लोग आके मिलना ही ज़रूरी है, हम बोल रहे हैं अपनी साइड से कि आप लोग करा सकते हो, मतलब इट इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और अगर इस पर अच्छे व्यूज़ आए तो बहुत जल्दी हम दूसरी कंट्री का भी ट्रिप बना लेंगे।
बढ़िया प्यार। देखो हमने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बाकी आप लोगों को दे दिए, जैसे कि देखो ये वाला चार्जिंग स्लॉट से रिलेटेड भी हम देंगे, अगर जो मतलब कि ये चार्जिंग स्लॉट है हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन में आपको दे दी ऑलमोस्ट सारी। ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह के होते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपने यूएसबी लगा के चार्ज कर सकते हो सारी चीज़ें। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी बहुत काम आती है। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं बैन करते हैं, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपने ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, गुड बाय, और प्यार देना, नए हो तो सब्सक्राइब, ठीक है, बाय, टेक केयर।